नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है 29 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो का पहला है फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951। दोस्तों, इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद प्रमुख अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956। दोस्तों, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद अगला है 10वां संविधान संशोधन 1961। दोस्तों, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 14वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों, इसके द्वारा पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया, यानी कि भारत में शामिल किया गया पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसके बाद अगला संशोधन है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। इसके बाद अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 45वां संविधान संशोधन 1974। दोस्तों, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सहराज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ ही 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। और इसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह सर्वाधिक इसी से प्रश्न आते हैं परीक्षा में और इसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार यानी बदलाव हुआ है। चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों, सबसे पहले यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय के स्वर्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 69 प्रावधान थे, मतलब जो कि प्रमुख मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे प्रमुख यहाँ पर है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया और अगला मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और इसके अगला शिक्षा, वन और वन जीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, यह पहले विषय थे राज्य सूची के थे, लेकिन इसके बाद इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। और इसके बाद 5वां संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। और इसमें
सबसे लास्ट में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों यह प्रमुख प्रावधान थे जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगला संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों इसके द्वारा अभी बहुत सारे प्रावधान दिए गए थे, यानी बहुत संशोधन हुआ था जो कि प्रमुख निम्न अनुसार है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और दूसरा है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। जो अभी बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था वह पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया। और इसके साथ ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद अगला संशोधन है 48वां संविधान संशोधन 1984। दोस्तों इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अगला संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दोस्तों उसमें जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इसके बाद अगला संशोधन है 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद अगला है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद अगला संशोधन है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद अगला संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगला संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नागरीय स्थायी शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। इसके बाद अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्री परिषदों के आकार को संसीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंध करने का प्रावधान है। और इसके साथ ही इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैबिनेट मंत्री सीमित कर दिए गए थे। और इसके साथ ही छोटे राज्यों में के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई थी, यानी 12 से अधिक नहीं हो सकती। जहाँ छोटे राज्य जैसे कि गोवा राज्य और सिक्किम मणिपुर जैसे छोटे राज्य में 12 से अधिकतम नहीं हो सकती। इसके साथ अगला संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया गया था। कौन कौन
बोडो, ढोंगरी, मैथिली और संताल यानी कि चार भाषाओं को शामिल किया गया था आठवीं अनुसूची में। कौन से? बानवा संविधान संशोधन। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। और अगला 108वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसके द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। और अगला 109वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 से 50% कर दिया गया। इसके बाद अगला संशोधन है 110वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा स्थायी निकाय में महिलाएं आरक्षण 33 से 50% कर दिया गया था। और इसके बाद अगला है 114वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। इसके बाद अगला 115वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसके द्वारा GST यानी कि वस्तु सेवा कर लागू किया गया था। इसके बाद अगला है 117वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसके द्वारा SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यदि इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और